Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Dreams. Hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइज, हम इश्क मुश्किल ड्रामे के एपिसोड 25 पर पहुंच चुके हैं। तो गाइज, क्या स्टोरी आगे चलती है, आज हम इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए गाइज, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ उसे ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश की है कि मैं और शिवरा एक नहीं हो सकते, यही बात ना? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अगर सलमान इसको समझ गया है, झूठ बोल रहा है तुमसे, उसकी बातों में मत आना। एक बात पूछूं बाबा आपसे, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, बट व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। मेरे होते हुए हारून भाई से क्यों डर रहा है? मैं उससे नहीं डरता बेटा, तुम भी समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, मेरे पर एक जिम्मेदारी, इस पार्टी की जिम्मेदारी। मेरी मां की पार्टी है। ओए होए, चुप कर रहा है, जवाब दे दिया। जुबैदा की पार्टी है, मेरी बीवी थी वो, शायद इसलिए मुझे ज्यादा एहसास है, शायद इसलिए मैं इस पार्टी के लिए अपने आपको कुर्बान कर सकता हूं। अगर अभी तो आप मुझे कुर्बान कर रहे हैं, अगर आज अम्मी जिंदा होती अपने मफाद का नहीं सोचती, मुझे नहीं कुर्बान होने देती। That's unfair, यार। That's unfair. अगर वो होती ना तो इसका सपोर्ट करती, इसके साथ होती। वो तो अब भी मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप कल मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? कन्विंस करके मेरे होते हुए आपको और इस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, ट्रस्ट मी। वी ट्रस्ट यू। कल हम सुलेमान अहमद के घर जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। आई एम सॉरी बाबा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। बाबा ने हाँ जी बोला, पर जाएगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि जाना पड़ेगा भाई। ओवर माई डेड बॉडी, मैं आपको शिब्रा का रिश्ता लेकर जाने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती। I'm sorry. मैं कौन सा जाना चाह रहा हूँ? मैं तो बल्कि समझ रहा था सुलेमान इस मसले का हल निकाल लेगा, लेकिन उसकी बेटी गले का फंदा ही बन गई है। एक बात बताएं, इसके बेटे नहीं फंसा दिया। अगर आप शामिर के साथ नहीं गए, ये इससे डिस्कस क्यों कर रहा है? क्या लगता है कि वो क्या कर लेगा? इनकी भी डील हुई थी ना। देखो मेरी, अगला साल इलेक्शन का साल, वो इन्वेस्ट करता है ना इनकी पार्टी में। सच बात तो ये हमारी इसलिए कर रहा है। इसे सिर्फ सुबैदा सिकंदर के नारे बचा सकते हैं, और वो तब लगेंगे जब शामिर सिकंदर चेयरमैन बनेगा। और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं सही समझा रहा है। I see. मैंने तो ये सुना था कि मोहब्बत में लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। इसका तो बहुत तेज चल रहा है। ये चीज से दुखी है। तो फिर तुम अपना दिमाग चलाओ और बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि शिब्रा और उसके बाप दोनों को। नो नो नो, नॉट एट ऑल। हमें सिर्फ शिब्रा का इनकार चाहिए, किसी की जिंदगी तो नहीं चाहिए हमें। और वैसे भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती
जिसकी वजह से मेरी और शामिर की डील कॉम्प्रोमाइज हो। तो फिर क्या करना चाहिए? जितना भी दिमाग लगा ले, इनका काम उल्टा ही होना है। प्यार नहीं है, डील है इनके बीच में। इसके लिए भी मेरे पास एक सलूशन है। सब उल्टा पड़ जाता है इसके सोल में। इतने दिमाग लगा के ना तो अच्छी तरह रहा, पीछे से वो उतर रहा है। दिमाग देख ले, दिमाग तो बहुत लगा, पॉलिश भी फिर बाद में कर ले। सोल, ये एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा, ये दिखाई ये चीज जो होता है, जो रियलिटी है। हाँ ऐसे ही होता है। गुंडे भेज दिए। आ जा जा, पॉलिश करनी है। हेलो साहब की, आपको जल्दी है क्या? साहब बोर हो रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं? हाँ ठीक हो, कर रहा है। क्या कर रहे हो? चुपचाप चलो हमारे साथ। शामिर को अगर पता लग गया ना, छोड़ेगा नहीं। सिर्फ चाय से ही काम चलाओगे क्या? खाने का बोला हुआ है, जैसे ही आता है तो मैं बताता हूँ। इसको डरा इतना देंगे कि अगर तूने हाँ बोली तो हो सकता है। हेलो मिस्टर सुलेमान, तकलीफ के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या करती, आपसे इतनी जल्दी मुलाकात करने का और कोई तरीका ही नहीं था मेरे पास। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चाहे तो मुझे फरिश्ता समझ लें आप, शामिर सिकंदर की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि शामिर शिब्रा को पाना चाहता है जिंदगी बनके, और मैं शामिर को छीनना चाहती हूं शिब्रा की मौत बनके। शिब्रा का क्या लेना देना है सर? तुम चाहती क्या आवाज है? अंकल ऊंची आवाज नहीं। भाई टोल रहा है यार। मैंने अपना सही से इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। मेरा नाम है मैरीन बेग, हारून बेग की बेटी। हारून बेग, बल्कि शायद इससे भी बड़ा इंट्रोडक्शन है मेरा। मैं शामिर सिकंदर की किसी भी सूरत में होने वाली बीवी हूं, तो इसीलिए आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। डरा दिए थे। और अगर फिर भी दिल ना माने तो बेशक बगावत करके देख लीजिएगा। मेरा कहा गया हर वो लफ्ज कितना सच बन के निकलेगा जो मैं अब आपसे कहने जा रही हूं। शिवरा का नाम ले लिया ना कि शिवरा ये अपनी बेटी के लिए कुछ भी करे, कुछ भी करेगा ये। अब एरिन बस थोड़ी देर में मैं शामिर को लेकर निकलने वाला। आप बेफिक्र होके जाए, शामिर वहां से नामुराद होकर ही वापस लौटेगा। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? फिलहाल ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी थोड़ा सा डाउट में रहें, और ना आप ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत बदल गई मैरी। शायद वक्त या प्यार,
दोनों की मार इंसान को बिल्कुल बदल देती है। पहले जैसा कुछ नहीं रहता दाऊद अंकल। एनीवेज ठीक है, जो कर सकती थी इसने वो करा है। गेट पे लगवा दी है सर सारी गाड़ी। ठीक है, देखते हैं कैसा चलता है। चलें, हम रेडी। ओह नाइस, मैचिंग, गुड। कैसा लग रहा हूँ मैं? डिफरेंट। थैंक यू। चलें, गाड़ी चाबी दो। सर बाहर प्रोटोकॉल तैयार है सर। अरे नहीं भाई, सिक्योरिटी की जरूरत है, तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे, मैं ड्राइव करूंगा। दो ना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। आज प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं है भाई। कोई डील वील करने थोड़ी जा रहा है। क्या होगा यार, मतलब अब बंदा घर पे जा रहा है। घर पे जा रहा है वो? हाँ, रिश्ता लेके जा रहा है भाई। अब पता नहीं क्या होगा। वैसे उसे डरा तो दिया है। डरा दिया है कि उसके बाबा को? उसके बाबा को तो काफी डरा दिया कि शिवरा की मौत ही है वो। अब मना ही करेगा? मैं छीनना चाहती हूँ शामिर को, तो मना ही करेगा? ज्यादा ही हो गया ये तो। किसी भी सूरत में उसकी बीवी बनना चाहती है। अब देखते हैं फैसला क्या होगा, क्योंकि यहाँ से ये लेकर चला गया, वहां से फैसला क्या होगा, तो ये फैसला करना है उनको। और उस बंदे को डरा दिया, उसको डरा दिया, तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि वो क्या कहता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एपिसोड को। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।